हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोर्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन एंड टाइम। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मोशन, व्हाट इज टाइम, हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज टाइम पीरियड, हाउ पेंडुलम वर्क, हाउ क्लॉक आर इन्वेंटेड। फिर हम लोगों ने गैलीलियो गैली के बारे में पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड किसको कहते हैं। फिर टाइम का मेजरमेंट किन किन के द्वारा किया जाता है। फिर हम लोग पेंडुलम क्लॉक के बारे में देखे थे कि वो कैसे वर्क करता है। उसमें हम लोग देखे थे कि मीन पोजीशन क्या होता है। फिर से हम लोग देखे थे कि ऑक्सीलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है। फिर हम लोग देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपके सिंपल पेंडुलम का, वो कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग कुछ क्लॉक्स के बारे में देखे थे, जैसे आपका सैंड क्लॉक, क्वार्टर्स क्लॉक, और भी कुछ क्लॉक्स के बारे में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग टाइम के यूनिट के बारे में देखे थे कि टाइम को किन किन यूनिट्स के द्वारा मेज़र किया जाता है, जिसमें हम लोग टाइम का ऐसा यूनिट क्या देखे थे, सेकेंड होता है उस, और इस तरह से फिर टाइम को मेज़र मिनट में, आवर में, ईयर्स में किया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मेजरिंग स्पीड, स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है। जहाँ तक इफ़ आई रिकॉल व्हाट आई डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास, देन आई डिस्कस्ड अबाउट स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस को मैं डेस ही लिखती हूँ, बहुत भर जाता है पूरा बोर्ड, डिस्टेंस बाई टाइम। और इसे डिस्टेंस बाय टाइम से हम लोग स्पीड को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का आपका यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट आपका क्या होता है, सेकंड। यानी डिस्टेंस को, यानी स्पीड को आपका कैसे मेज़र किया जा सकता है, किस यूनिट में मेज़र किया जा सकता है, तो आपका मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर पर सेकंड को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड को एक तो ऐसे लिख दिए या फिर ऐसे लिख दिए, मीटर पर सेकंड, ऊपर माइनस वन देके पर सेकंड आपका लिख दिए। तो ये आपका होता है क्या, ये स्पीड का यूनिट है, और इससे हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल हुआ, उससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कार, किसी बस का क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। अब क्लास हम लोग देखेंगे कि ये एवरेज स्पीड क्या होता है, क्या देखेंगे, ये एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो बच्चा सब, हम लोग अगर कोई कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो कार बाइक चलाते वक्त क्या हम लोग जितना भी उससे ट्रैवल करते हैं, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करें, क्या उस पूरे टाइम पीरियड में हर टाइम पर क्या हम लोगों का स्पीड एक ही रहता है, नहीं, हर टाइम पर अलग अलग चेंज होते रहता है। कहीं आपका कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो वो आपका चेंज होते रहता है, तो उस तरह के तो अगर हम लोगों को वहाँ स्पीड निकालना हो, तो उस कंडीशन में लोग उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, और उस टोटल डिस्टेंस को करने में उसके द्वारा कितना टोटल टाइम लगा, इस चीज़ के द्वारा हम लोग उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालते हैं। कार, बस, जो भी है आपका, जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसका हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे मान लो कोई बस है, वो आपका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में के तय कर लिया, क्या किया, 2 किलोमीटर कह रही मैं, आपका 2 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में तय कर लिया। फिर वही आपका कार दूसरे इंस्टेंट में क्या किया कि 3 मीटर का डिस्टेंस आपका 2 सेकंड में ही तय कर लिया। तीसरे कंडीशन में क्या हुआ आपका कि 5 मीटर का डिस्टेंस वो आपका 3 सेकंड में कंप्लीट किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ स्पीड निकालने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा कितना कवर किया गया और टोटल टाइम इसके द्वारा कितना लगा, इसको ऐड करके और इसको डिवाइड लगा देंगे, तो हम लोगों के द्वारा एवरेज स्पीड आ जाएगा कि इसका कितना, जैसे तो इसका टोटल स्पीड क्या है, ये इसका स्पीड है, आई मीन सॉरी ये इसका डिस्टेंस है, इसके द्वारा इतना डिस्टेंस कवर किया गया, कार कोई भी, बस, कार जो भी ले लो, और ये उसके द्वारा कितना समय लगा, ये पहले का, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार में।
तो इसके द्वारा हम इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड में क्या करना है, हमको सारा डिस्टेंस ऐड करना है, 2, 3, 5, 5, 5, 10, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 5, 2, 7, 7 और 3, 10, यानी 10 सेकेंड दोनों कट गया, यानी इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से हम लोग क्लास आपका एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे, अब हम आप लोगों को बताते हैं बहुत आसान तरीका कि अगर कहीं आपका देता है क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकेंड में आपका दे देता है यूनिट, डिस्टेंस का या स्पीड का यूनिट आपका दे दिया मीटर पर सेकेंड में, और आपको कह रहा है कि आप लोग किलोमीटर पर आवर में फाइंड करिए, या किलोमीटर पर आवर में दे दिया और कहेगा कि मीटर पर सेकेंड में फाइंड करिए, तो वहाँ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो और मीटर पर सेकेंड से हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में निकालना हो, तो वहाँ हम लोग उस ऑब्जेक्ट का, उस कार का, उस बाइक का कैसे उसमें हम लोग उसमें चेंज करेंगे। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपका, देख बताती हूँ मैं, मीटर पर सेकंड में आपका दे दिया, किलोमीटर पर आवर में आपको उसको चेंज करना है। तो जिसका यूनिट आपका मीटर पर सेकंड में दिया है, क्या बोल रहे हैं हम, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड में दिया है उसको आप लोग क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देना है, 5/18 से, 5/18 से डिवाइड कर दो, यानी जो भी मीटर पर सेकंड में होगा ऊपर नीचे इसको कर दो, गुना हो जाएगा फिर यहाँ, तो 18/5 हो जाएगा। और उस मीटर पर सेकंड में जिस जो होगा उसको आप लोग डिवाइड कर दो 5/18 से। और जब हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो वही मैंने यहाँ कर दिया। और इस यूनिट को आप इसमें करेंगे तो ये आपका किस में निकल जाएगा, जो भी आपका आएगा अब, यहाँ अब ये आपका किस में आएगा, अब जो भी इसमें आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आपका आएगा। और इस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। अब इसका उल्टा कर दिया, अब इसका क्वेश्चन में अगर आपका पूछ दिया किलोमीटर पर आवर में दिया हो और कहे कि मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है, क्या कह रहा है, किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपका मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आप वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ भी आपका 5/18 ही लगाना है, लेकिन वहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहाँ सॉरी डिवाइड नहीं करना है, वहाँ आपका 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। वहाँ जो ये किलोमीटर पर आवर में यूनिट होगा, किलोमीटर पर आवर में ये जो यूनिट है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपका 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 5/18 चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और इस तरह से ये आपका कैलकुलेट चेंज कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग ये अपने मैथ के क्लास में भी पढ़े होंगे, जहाँ तक मुझे याद है, अगर आप लोग अपने मैथ के क्लास में ध्यान दिए होंगे तो यहाँ बहुत आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और वैसे अगर नहीं भी समझ में आया होगा वहाँ, तो यहाँ मैंने समझा दिया। अब देखो बच्चा सब, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये 5/18 कहाँ से अचानक गिर पड़ा, ये 5/18 आया कहाँ से। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, और 1 आवर में आपका कितना सेकंड अगर निकालना पड़े तो 16 इंटू 60, इसे आपका आपका क्या निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे। तो अब इसको क्या करो, किलोमीटर पर आवर हमको चेंज करना है, तो फिर क्या कर दो कि 1000 को 60/60 करो, 60 इंटू 60, ये 6-6 कट गया, 6-6 कह रही मैं, ये 0-0 कट गया, ये 0-0 कट गया, हो जाएगा कितना आपका 10/66 जा 36। आपको देख ली, फिर 2 के टेबल में ये 5 बार में कट गया, और फिर ये 2 के टेबल में 18 बार में कट गया, तो ये 5/18 आ गया। और यही 5/18 का यूज़ यहाँ हम बता रहे हैं कि मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। और इसी तरह से हम लोग चेंज यूनिट को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो अभी मैंने क्या क्या बताया कि स्पीड का क्या यूनिट होता है, स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है, एवरेज स्पीड को, और कैसे एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे स्पीड को किन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेज़र किया जाता है। तो स्पीड को आपको मेज़र की स्पीड आपके ये में बाइक वगैरह के बीच में दिया होगा, एक गोल सा दिया होगा, और वही गोल सा जो है इंस्ट्रूमेंट वो आपका स्पीड मेज़र करता है कि आप अपनी बाइक को कितने की स्पीड से चला रहे हो, और वही स्पीड हम लोगों को मेज़र करके देता है। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका स्पीडोमीटर। क्या नाम होता है? स्पीडोमीटर, ठीक है। और यही आपका टैक्सी वगैरह में कार वगैरह में आपका डिस्टेंस आपके कार के द्वारा कितना तय किया गया वो मेज़र करके देता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑडोमीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। तो क्या हम बताएं, स्पीड मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को स्पीडोमीटर कहते हैं और डिस्टेंस मेज़र करने वाले को हम लोग कहते हैं ऑडोमीटर। तो ये आपका ये छोटा सा टॉपिक था, ये आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे आखिरी टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का, जिससे ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो जाएगा, मोशन एंड टाइम। क्या है वो आखिरी? तो है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो आप लोग देखो इसको होता है क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, क्या होता है। पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, तब आपको इसको समझाती हूँ, समझाएंगे तो ज़्यादा वैसे क्लियर होगा। जब आपके कोई कार का स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे, यानी आपका पूरे ट्रैवलिंग के दौरान उसके स्पीड में उसके टाइम में चेंजिंग ना आए, वहाँ ही आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। वैसे मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसको हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पर निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ निकालते हैं? स्ट्रेट पाथ पर निकालते हैं। कब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, कब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में होता है, तो वो देखो आप लोग का बुक क्या बता रहा है। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म when a body travel equal distance in equal interval of time। क्या बताया कि जब कोई body equal distance, equal interval of time में speed दें, travel करें, तो वो आपका क्या होता है? Uniform motion होता है। यानी जैसे मान लो आपको मैं graph के थ्रू दिखाती हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। इधर हम आपका टाइम दे दें, इधर मैंने क्या दे दिया? टाइम। और इधर दे दिया मैंने डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है। टाइम में आपका ये 1, 2, 3, 4 और ये मैंने दे दिया 10, 20, 30, ये सब सेकंड में है और वो ये सब मीटर में है और वो सेकंड में है। मान लो आपका कोई बॉडी 10 मीटर का डिस्टेंस एक सेकेंड में तय कर रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस ठीक आपका 20 मिनट में तय कर रहा है, 30 मीटर का डिस्टेंस आपका 30 सेकंड में तय कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि इन दोनों का जो गैप है, यहाँ भी 10 का गैप आया, यहाँ भी 10 का ही गैप आया, यहाँ भी एक ही बढ़ा, 1, 2, 3, 4 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ जो ये टाइम जो है ये भी लगातार आपका बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी आपका लगातार ही है, कोई ये अनइक्वल नहीं हो रहा है, सब इक्वल ही है। तो इस तरह का जो आपका ये मोशन होता है, इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ये आपका जब ग्राफ बनता है तो ये जो लाइन जाता है यूनिफॉर्म मोशन का वो स्ट्रेट जाता है। मे भी मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, समझाने में मेरा लाइन टेढ़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग समझना कि ये सीधा ही है और स्ट्रेट, और आपका यूनिफॉर्म मोशन में ये जो लाइन जाता है ये स्ट्रेट जाता है और ये स्ट्रेट पाथ पर ही हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा कोई बॉडी? तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस
इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ उसके टाइम का इंटरवल इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ एक के बाद दो था, दो के बाद तीन था, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ देखो आपका बुक में कैसे डिफाइन किया है, ए बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, कह रहा है कि जब कोई अनइक्वल डिस्टेंस, या मैंने अनइक्वल टाइम कह दिया था, नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस, तो अन जब कोई बॉडी के द्वारा अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ भी जैसे देखो, मैंने यहाँ भी वैसे ही किया, ये हो गया मेरा वन टू, ये भी मैंने क्या ले रही हूँ यहाँ पे, ये आपका टाइम है, इधर आपका क्या है, टाइम है, और ये इधर आपका डिस्टेंस है, मीटर में है डिस्टेंस, और टाइम भी आपका किस में है, सेकेंड में है। और डिस्टेंस को हम आपका यहाँ वन टू ही लेते हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। सपोज डैट यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखो हमको हम जैसे निकालना है, तो मान लो कोई बॉडी जो है वो एक सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, लेकिन दूसरे सेकेंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ना तय करके आपका सीधे 3 मीटर का डिस्टेंस तय कर दिया, यहाँ वो 3 मीटर का डिस्टेंस तय कर दिया। फिर वो तीसरे सेकेंड में वो क्या किया, फिर वो अब चार सेकेंड का डिस्टेंस तय कर दिया तीसरे सेकेंड में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो इसका जो टाइम तो चलो इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस देख रहे हो अनइक्वल है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, फिर यहाँ 2 नहीं हुआ, फिर यहाँ सीधे 3 हो गया, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 होगा कि नहीं, ये कोई ठीक नहीं है, अनइक्वल होगा यहाँ पे, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ जब आपका ये लाइन जाएगा, तब देखो ये टेढ़ा टेढ़ा लाइन जाता है, जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकालते हैं, तो यहाँ जो लाइन है आपका टेढ़ा टेढ़ा जाता है, और इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखें हम लोग, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखें, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग देखें कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे तो वो आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये आपका था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप क्लास कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ग्राफ भी मैंने समझा दिया, आप लोग अपने से कोशिश करना जो भी है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने का, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ।